सर साहिबा, आपका लास्ट कमेंट जरूर चाहूंगी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अलीजफर साहब का तफसीली जवाब जो था उस पर कमेंट कीजिएगा जरूर। मैं मुख्तसर ये कि देखें गरीदा, हमारी पार्लियामेंट के कुछ ना कुछ खदोखाल तो है ना, हमारे दाखिली और अभी खारजी मामलात कोई आम रूटीन में नहीं चल रहे, चैलेंजिंग सूरत हाल है मौशी हवाले से भी। एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं वो भी ध्यान तलब हैं, बल्कि सूरत हाल गंभीर है बहुत ही हवालों से। एक तो हमारी जो पोजिशन है या दूसरे जो प्रेशर्स हैं, देखिए जो पार्लियामेंट होती है वो गली कूचों या नाली के ढकनों या गटरों के लिए जो है उनकी लाइनिंग के लिए वाला काम नहीं है, वो है लेजिस्लेशन या आपका जो दाखिली और खारजी मामलों को देखना। पब्लिक के पास भले डायरेक्ट ना जाए खारजी मामलों पर, पार्लियामेंट जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, वो मैंडेट एक बहुत बड़ा है, भारी भरकम है अपोजिशन का भी। ये तो बैसाखियों पे पीटीआई खड़ी है ना। देखें, या अभी रजा रबानी साहब ने एक जबरदस्त मुफसल स्पीच की है अभी परसों ही सेनेट में नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। बीच में चेयरमैन बिलावल साहब ने भी, जब अफगानिस्तान में मामला हो रहे थे, उन्होंने कहा कि फौरन बुलाना जाना चाहिए, हम भी गए वहां, हम समझते हैं कि ये अच्छी बात थी, बहुत सारी चीजों पर जो है मिल बैठे, ऐसा कंसेंसस होना चाहिए। लेकिन अचानक जो मुआहदे हो जाते हैं, अचानक चीजें हमें वो दूसरे ममालिक में जाकर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या वजीर खारजा, फिर हमें पता चलता है। यानी वहां ओपन करने के लिए ठीक है, अपनी पार्लियामेंट में इस चीज को यानी बहस में भले वो भी इन कैमरा भी सेशन होते हैं, हमने भी किए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए हैं सेनेट में या और ट्रस्ट क्वेश्चनिंग भी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, देखिए मामला पार्लियामेंट आपका जो मंबा है जहां हम जो अपनी स्ट्रेंथ ड्राइव करते हैं आइन से, और ये सारी चीजें जो भी आपके ताकत के या आपके जो मेन पिलर्स हैं जिसके डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में जो है आपकी अपोजिशन या आपके खुद के वो शामिल नहीं होंगे, कलेक्टिव विजडम के साथ चलेंगे, फिर अचानक जो मसला आ जाता है ना वो फिर भागते हैं ठीक है अपोजिशन के पास, फिर उनके कंधों पर जाकर वो कहते हैं क्योंकि डिसीजन हो ताकि दुनिया को, ये इस तरह नहीं होना ठीक।